नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट। और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएन की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। आपको बता दूं काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और मेरे पीछे आप जीआरपी का जो है थाना देख पा रहे होंगे। आपको बता दूं ये जो जीआरपी का यहां थाना है, ये इकलौता थाना है जो तीन अलग अलग ज़िलों को कवर करता है और साथ ही पांच बड़े स्टेशन इसके अंदर आते हैं। इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी आगे देंगे। सबसे पहले आपको बता दूं किस प्रकार से रेलवे तमाम तरह के दावे करता है, रेलवे और सरकार दावे करता है कि तमाम तरह के जो अपग्रेडेशन है रेलवे में वो किए जा रहे हैं। चाहे वो ट्रेनों की बात करूँ और जो नई ट्रेन हैं, जैसे वंदे भारत है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, बुलेट ट्रेन देश में चलाई जा रही है उसकी बात हो रही है, तमाम तरह की जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो देश में भर में चलाए जा रहे हैं और राज्य सरकार की तरफ से भी तमाम तरह के दावे किए जाते हैं कि जो है यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जो नए एडिशन्स हैं वो किए जा रहे हैं और रेलवे का जो सफ़र है वो जनता के लिए उन्हें सहूलियत दी जा रही है ताकि उनके लिए सफ़र और आरामदायक बनाया जा सके। लेकिन इसी बीच जो खबर हमारे सामने आई है, जैसा कि हम आपको विस्तृत तौर पर एक खबर बताऊँगा कि जो काठगोदाम जीआरपी स्टेशन यहाँ पे मौजूद है, ये अकेला स्टेशन है जो कुमाऊँ के तीन बड़े ज़िले हैं उसको कवर करता है। आपको बता दूँ काठगोदाम जीआरपी स्टेशन से चाहे वो नैनीताल ज़िला हो, उधम सिंह नगर ज़िला हो और चंपावत ज़िला हो, तीन बड़े ज़िले जो हैं वो ये अकेला थाना कवर करता है। इसके अलावा अगर स्टेशन की बात करूँ तो पाँच बड़े स्टेशन इसके अंदर आते हैं जिसमें काशीपुर, टनकपुर, रामनगर, लाल कुआं और खुद काठगोदाम का जो ये रेलवे स्टेशन है वो शामिल है। ये पांचों जो बड़े रेलवे स्टेशन आते हैं उनको यही जीआरपी थाना देखता है। जब ये खबर सामने आई तो कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर बात थी, उसी की पड़ताल करने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। यहाँ हमने जो थाना अध्यक्ष है नरेश कोहली जीआरपी के, उनसे बात की। हालांकि उनकी तरफ से बाइट देने से मना कर दिया गया है क्योंकि उनकी तरफ से बताया गया है कि वो बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं है, उच्च अधिकारी जो है इसके लिए अधिकृत है। ऑफ कैमरा जो जानकारी और जो बातचीत उन्होंने हमें जानकारियां दी है, जो पूरी बातचीत हुई मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से आगे बताऊंगा। तो हम यहां पर पहुंचे थे इसी सिलसिले में पड़ताल करने के लिए। अब मैं आपको जानकारी देता हूं जिस प्रकार से जो पांच बड़े स्टेशन मैंने आपको भी गिनवाए इस रिपोर्ट में कि जो पांच बड़े स्टेशन है वो अकेला ये जीआरपी थाना कवर करता है। आपको बता दूं इस जीआरपी थाने में वैसे तो कुल 59 वैकेंसीज हैं मगर वर्तमान में केवल 19 कांस्टेबल यहाँ पर तैनात हैं। तो कहीं ना कहीं जो रेलवे सुरक्षा को लेकर दावा करता है तमाम तरह के, उसके गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों जब 59 वैकेंसीज हैं तो केवल 19 कांस्टेबल तैनात हैं और पूरे कुमाऊं मंडल के तीन बड़े ज़िलों को। और अगर मैं ट्रैक जो डिस्टेंस, जैसे मैंने आपको पांच स्टेशन के नाम बताए और ट्रैक डिस्टेंस की बात करूँ तो 150 किलोमीटर से रंबा ये पूरा जो रेलवे ट्रैक का जो जाल बिछा हुआ है उसको ये अकेला थाना देखता है और उसमें भी जो है कांस्टेबल हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे थाना अध्यक्ष की तरफ से बताया गया कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब दूसरी जगह से केसेस आते हैं तो उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तमाम दूसरी जगह से केस आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जैसे केस आते हैं तो सुलझाने में भी समय लगता है क्योंकि केवल एक बड़ा जीआरपी का थाना यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जो स्टेशन के मैंने नाम आपको अभी गिनवाए थे, चाहे वो लालकुआ की बात हो, चाहे वो टनकपुर की बात हो, चाहे काशीपुर की बात हो, उन जगहों पर आरपीएफ की चौकियां मौजूद है। लेकिन आरपीएफ और जीआरपी के जो कार्य क्षेत्र होता है रेलवे में वो बटा होता है। अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो आरपीएफ जो है वो रेलवे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो है वो चीज़ें देखते हैं और जीआरपी के थाने जो तमाम जनता से जुड़े मुद्दे हैं जैसे चोरी इत्यादि और जनता को जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं उस तरह के केसेस जो है जीआरपी थाने को दिए जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये खबर सामने आई, हमने आपको पूरी विस्तृत जानकारी दी किस प्रकार से कुमाऊं मंडल के तीन बड़े जिलों और पांच बड़े रेलवे स्टेशन के केवल एक जीआरपी थाना मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर सवाल खड़े करता है सुरक्षा को लेकर। जो प्रशासन दावे करता है या रेलवे दावे करता है कि जनता की जो सुरक्षा और उनकी जो भी सहूलियत है उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं जो ग्राउंड जीरो पे हम जब पहुंचे, हमने तहकीकात की तो गंभीर सवाल खड़े करता है सुरक्षा को लेकर। केवल एक जीआरपी थाना है, पांच बड़े स्टेशन और तीन पूरे जिलों को कुमाऊं के जो है वो कवर कर रहा है और वहाँ पर भी जो जितनी वैकेंसी है, जितने कांस्टेबल तैनात होने चाहिए, कुल 60 यहाँ पर पद 59 पद माफ़ कीजिए कुल 59 पद यहाँ पर होने चाहिए मगर केवल 19 कांस्टेबल यहाँ पर तैनात हैं, जो जानकारी में थाना अध्यक्ष ने दी। तो कहीं ना कहीं ये रेलवे की जो संजीदगी और सरकार जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े करता है कि किस प्रकार से जो पूरे इस कवरेज को, जो क्षेत्र कवर होना चाहिए वो कवर नहीं हो पा रहा है। कुछ चौकियों की और ज़रूरत है, खासकर जीआरपी के जो और थाने वो है बढ़ाए जाने चाहिए ताकि जो जिस प्रकार से लगातार रेलवे में केसेस ही बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने इस रिपोर्ट में आपको पहले बताया कि ट्रैक्स पे इस तरह की आए दिन खबरें आती रहती हैं, जेजेएन न्यूज़ भी इस प्रकार की न्यूज़ लगातार आपको दिखाते हैं और दूसरे तमाम मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की खबरें आपके पास आती होंगी किस प्रकार से रेलवे ट्रैक्स में जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, चाहे सिलेंडर रखने की घटनाएं हो या लोहे के बार्स रख दिए जाते हैं इस प्रकार से रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, ड्रिल या पथराव की खबरें भी इस तरह की खबरें आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो रेलवे का पूरा जो सुरक्षा होनी चाहिए,
चाहे वो यात्रियों की सुरक्षा हो, रेलवे प्रॉपर्टी की सुरक्षा हो, उसकी जो है सुरक्षा को लेकर सरकार को संजीदा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल एक थाना है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं गणेश अपनी सहयोगी पूजा के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी।